आमिर और पत्नी किरण आए स्वाइन फ्लू की चपेट में। जहां पूरा देश इन दिनों स्वाइन फ्लू जैसी खतरनाक बीमारी के खौफ में है, वहीं बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं लग रहा। अभी ताज़ा खबर यह है कि बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव दोनों भी स्वाइन फ्लू के शिकार हो चुके हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक फिलहाल किसी हॉस्पिटल में नहीं, बल्कि उनका इलाज घर पर ही चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आमिर और किरण को सत्यमेव जयते वाटर कप पानी फाउंडेशन का एक बेहद खास इवेंट में शामिल होने वाले थे, लेकिन अब स्वाइन फ्लू की चपेट में आ जाने के कारण वे दोनों इस इवेंट में भाग नहीं ले रहे। सीनियर जर्नलिस्ट अनुपम चोपड़ा ने इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए दी है और लिखा, आमिर और किरण राव स्वाइन फ्लू की चपेट में आ जाने के कारण यहां शामिल नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने शाहरुख से उनकी जगह इस सत्यमेव जयते वाटर कप में आने का आग्रह किया। आमिर ने बताया कि यह बीमारी ऐसी है जिसका H1N1 वायरस बहुत तेजी से फैलता है और आमतौर पर लोग इसे स्वाइन फ्लू कहते हैं। स्वाइन फ्लू की यह तकलीफ है, जहां मैं जाऊंगा इसे और लोगों तक दूंगा, इसलिए अगले एक हफ्ते तक हम लोगों को घर में बंद रहना है ताकि हम यह किसी और को न दे दें, और इसी वजह से हम आज आपके साथ वहां मौजूद नहीं है और इस बात का हमें बेहद दुख है। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।